हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आज वैदिक गुरुज क्लास 11th के बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेंट सिस्टम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम बच्चों को अक्सर इसमें प्रॉब्लम रहती है कि क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कहाँ कन्वर्जन होता है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को नेगेटिव लेना है, ये सभी डाउट्स आपके आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सिर्फ क्वाड्रेंट सिस्टम। वीडियो को पूरा देखें और क्वाड्रेंट सिस्टम आपको इतने आसान तरीके से कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा जितना आज एक्सप्लेन हम आपको इजीली हम करने के लिए जा रहे हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 11th के लिए थर्ड चैप्टर का। देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम एक्चुअली है क्या। क्वाड्रेंट सिस्टम जो है हमारे फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस बनाते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम एंगल्स के ऊपर चलता है। जैसे यहां पर 0 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री, यहां 180 डिग्री, यहां 270 डिग्री और यहां पर 360 डिग्री। 360 डिग्री और 0 डिग्री कॉन्साइड करते हैं आपस में, सेम पॉइंट पे वैल्यू होती है इनकी। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 के बीच, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 से 180 के बीच, ये थर्ड क्वाड्रेंट है 180 से 270 और 270 से 360 तक हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इन्हीं चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रीज की सारी रेशियो जितनी भी है, 6 की 6 रेशियो, उनके सारे एंगल्स हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑल पॉजिटिव, सारी की सारी पॉजिटिव होती है 0 से 90 के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा साइन थीटा, यानी साइन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे। थर्ड में आएगा टेंजेंट, टेन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल यानी कॉट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा कॉस थीटा, कॉस पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल यानी सीकेंट। तो इसको याद रख सकते हैं आप, एड शुगर टू कॉफी, ये एक फॉर्मूला है। ए स्टैंड फॉर ऑल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस स्टैंड फॉर साइन, साइन पॉजिटिव, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, टी के लिए टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट और कॉफी में से हम लेंगे सी, सी से कॉस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। एक और सेंटेंस है अगर आप इसको याद रखना चाहें और इजीली तरीके से, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कुछ बुक्स में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी दिया हुआ है और कुछ बुक्स में एड शुगर टू कॉफी लिखा होता है। तो हर टीचर के अलग अलग मेथड होते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, अपना कोई जनरेट कर सकते हैं। ये सबसे आसान है, दो मैंने लिख दिए हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मीनिंग वही सेम है, ए से ऑल पॉजिटिव, एस साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, टी टेन पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट और कॉलेज से सी फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारे पास चारों क्वाड्रेंट याद हो गए। अब हमने चेक करना है इनकी वैल्यूज। देखिए जो हमने 0 डिग्री लिखा है यहां पर, ये डिग्री सिस्टम में है, 360 डिग्री भी डिग्रीज में है। रेडियन में अगर मेंशन करना हो तो रेडियन में 90 को मेंशन करते हैं पाई बाय 2 से, 180 डिग्री होता है पाई, 270 डिग्री होता है 3 पाई बाय 2 और 360 डिग्री होता है 2 पाई। तो रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं, डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम बात करेंगे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आने के लिए देखिए पहली कंडीशन है, वो यहां से शुरू करते हैं हम 0 से, इस तरह से। तो 0 प्लस थीटा जो भी आएगा, 90 तक की वैल्यूज होंगी उसके अंदर, तो 0 के अंदर कुछ भी प्लस करेंगे तो सारी की सारी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी। तो वो कैसे लिखी जाएंगी, देखिए साइन 0 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 0 प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 0 प्लस थीटा टेंजेंट थीटा, इनके रेसिप्रोकल भी सीकेंट 0 प्लस थीटा सीकेंट थीटा, कोसीकेंट 0 प्लस थीटा कोसीकेंट थीटा और कॉट 0 प्लस थीटा यानी कॉट थीटा। तो आपने देखा 0 डिग्री जो एंगल होता है
इसके अंदर जब हम थीटा कोई भी एंगल ऐड करते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां जो साइन है वो सेम वही रह जाता है एंगल के साथ, थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा, कॉट थीटा, कोई फर्क नहीं आता। तो याद रखना है हमारे पास कौन कौन सी ऐसी डिग्रीज में कहां कहां पर वैल्यूज ऐसी आएंगी जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, तो मैं बता देता हूं आपको। एक तो है जीरो डिग्री, जब भी आप जीरो डिग्री से मूव करते हैं, जीरो डिग्री से आप दो जगह मूव कर सकते हैं, जब जीरो में कुछ प्लस करेंगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और जब आप जीरो में से कुछ माइनस करेंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। लेकिन जीरो पे, जीरो डिग्री एक ऐसी वैल्यू है जिस पे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती, जो साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है कॉस रहेगा, टेंजेंट है टेंजेंट रहेगा। सिमिलरली 180 डिग्री, ये जो है पाई, इससे भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो हमेशा यही प्रेस्क्राइब करते हैं बच्चों को, जब भी आपने कोई भी एंगल चेंज करना हो तो या तो जीरो से करें या 180 से करें। 180 से जब आप चेंज करेंगे, यहां ऊपर माइनस करेंगे 180 में से कुछ भी तो सेकंड में जाएंगे, और 180 में कुछ भी प्लस करेंगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे, जीरो डिग्री की बात कर रहे थे, ये हमने प्लस करके निकाली वैल्यूज कि जीरो डिग्री में कोई भी एंगल हमने थीटा प्लस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं हुई। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए जीरो से हम फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जा सकते हैं नीचे। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या आएगा, तो नेगेटिव एंगल्स आएंगे। देखिए साइन जीरो माइनस थीटा, साइन जीरो माइनस थीटा, नेगेटिव एंगल जो भी होगा, या आप इसको सिंपल ऐसे कह सकते हैं साइन माइनस थीटा, नेगेटिव एंगल है ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जीरो माइनस का मतलब क्या है, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल यानी के सीकेंट, ये दो चीजें पॉजिटिव है, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव आएंगी, यानी इसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा आएगी। तो माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, जब आप कॉस जीरो माइनस थीटा लिखते हैं, यानी कॉस माइनस थीटा भी कई बार ऐसे भी लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव आएगा कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, सारे के सारे नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। सिमिलरली टेन जीरो माइनस थीटा, यानी टेंजेंट माइनस थीटा भी लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू माइनस टेन थीटा आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव है, कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव आएंगे। कोसीकेंट लिखो जो जीरो माइनस थीटा, यानी कोसीकेंट माइनस थीटा, तो वैल्यू क्या आने वाली, देखिए माइनस ऑफ कोसीकेंट थीटा, यानी आप एंगल के साथ जो माइनस है नेगेटिव वो बाहर आ जाएगा पूरी वैल्यूज के साथ, और आप थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं वहां पर। तो बहुत आसान तरीका है ये, साइन कॉस टेन कोसीकेंट हमने लिख दिया, सीकेंट लिखेंगे जीरो माइनस थीटा, यानी माइनस सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल, नेगेटिव एंगल सीकेंट के साथ है अगर तो वो पॉजिटिव हो जाता है सीकेंट थीटा, क्योंकि सिर्फ एक कॉस थीटा और एक सीकेंट थीटा उसका रेसिप्रोकल, ये दो वैल्यूज फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं, बाकी सारी नेगेटिव। अब कौन सी रह गई है हमारे पास, हमारे पास बचा है कॉट जीरो माइनस थीटा, यानी कॉट के साथ अगर नेगेटिव एंगल है तो माइनस कॉट थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप चाहे तो एग्जांपल भी कोई लिख सकते हैं, मान लीजिए मुझे टेंजेंट ऑफ माइनस 45 की वैल्यू लिखनी है, तो अंडर स्टूडेंट टेंजेंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये माइनस टेन 45 लिखा जाएगा, और यानी माइनस वन, क्योंकि टेन 45 की वैल्यू वन है और ये माइनस हमने यहां बाहर लिख दिया था, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करना है। यानी जीरो डिग्री से आप दो जगह जा सकते हैं, जीरो में कुछ प्लस करेंगे तो फर्स्ट में आएंगे, जीरो में से कुछ माइनस करेंगे तो फोर्थ में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है तो सारे साइन सेम आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं तो कॉस और सीकेंट पॉजिटिव आएंगे और बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव, तो बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो जीरो डिग्री के लिए हमने आपको बताई कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है तो साइन ही रह जाता है, चेंज नहीं होता, कॉस कॉस में सिरे में रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट में सेम रहेगा, कोसीकेंट कोसीकेंट में, सीकेंट सीकेंट में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती। जीरो डिग्री पे जैसे चेंज नहीं होती, एग्जैक्टली सेम 180 डिग्री पे भी यही रूल है, 180 डिग्री पे भी कन्वर्ट करने पर एंगल की यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती। कैसे, देखिए हम लिख के देखते हैं 180 के लिए, मान लीजिए मुझे साइन 180 माइनस थीटा लिखना हो, 180 में से कुछ भी माइनस करूंगा तो कहां जाएगा, 180 और 90 के बीच में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा रहती है। लेकिन अगर मैं इसमें प्लस करूं 180 प्लस थीटा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं,
और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल यानी कॉट, ये पॉजिटिव होता है सिर्फ, तो इसका मतलब यहां पर माइनस साइन थीटा रहेगा। तो ये आपको सीखना है, ये सीखने के लिए बहुत आसान तरीका ये क्वाड्रेंट सिस्टम दिमाग में बिठा ले, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, यानी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी, ये याद रखना है बस। ये अगर आपने ठीक बना लिया तो ये कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने कॉस लिखना है, कॉस 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए कॉस नेगेटिव है तो माइनस कॉस थीटा, और अगर कॉस 180 प्लस थीटा लिखूं तो 180 प्लस थीटा का मतलब क्या है, वो कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव है तो यहां भी माइनस कॉस थीटा, यानी सिर्फ माइनस साइन के साथ आया वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस था यहां पर भी कॉस रहा, यहां कॉस था यहां भी कॉस रहा। एग्जांपल लेके देखते हैं, मान लीजिए मैंने ये कहा गया स्टेटमेंट में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 210 डिग्री, तो कॉस 210 को आप सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं 180 प्लस 30, तो देखिए 180 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लग गया, 180 प्लस 30 किसके इक्वल है, माइनस कॉस थीटा के, तो माइनस कॉस और थीटा क्या है यहां पर 30 डिग्री, और माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया था, 180 में कुछ भी ऐड करते ही हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, और कॉस 30 की वैल्यू लिख देंगे माइनस रूट 3/2। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, सिमिलरली जैसे साइन और कॉस की लिखी है ऐसे ही सेम वे आप सीकेंट की लिख लीजिए 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव है तो माइनस सीकेंट थीटा, और सीकेंट की वैल्यू 180 प्लस थीटा में लिखूं अगर तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, वहां भी नेगेटिव है माइनस सीकेंट थीटा। सिमिलरली अगर आपने टैन लिखना है, टैन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, नेगेटिव होता है माइनस टैन थीटा, और टैन 180 प्लस थीटा लिखना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो प्लस टैन थीटा, यानी डायरेक्ट टैन थीटा की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी यहां पर। टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, उसके अलावा सारी की सारी वैल्यूज हर एक क्वाड्रेंट में याद रखना है, सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, ये दो पॉजिटिव बाकी चार नेगेटिव, टोटल छह होती है, टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव थर्ड में है तो बाकी चार नेगेटिव, फोर्थ में कॉस और सीकेंट यानी उसका रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव बाकी चार नेगेटिव, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा है जहां पर छह की छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी कन्वर्शन यूज करनी है तो हमेशा प्रेफर करना है 0 डिग्री से या 180 डिग्री से। फायदा क्या है उसका, उसका बेनिफिट ये होता है कि 0 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती, चाहे माइनस करेंगे 0 में से, जब माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन चेक करना है, और अगर प्लस करेंगे 0 में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट में तो ऑब्वियसली सारे पॉजिटिव ही होते हैं। जब 180 से चेंज करेंगे हम तो 180 में से जब माइनस करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो साइन और कोसेकेंट को छोड़ के बाकी सारे साइन नेगेटिव, और अगर 180 में प्लस करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और थर्ड में टेंजेंट और कॉट को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 और 180 पे चेंज नहीं होती, हमेशा सेम रहती है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि इनका क्या यूज है 90 और 270 का। 90 और 270 का आप ये भी तो कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है तो 0 प्लस नहीं करो, 90 में से माइनस कर दो, तब भी तो फर्स्ट में आएंगे, बिल्कुल 90 में से जब कुछ माइनस करेंगे तो फर्स्ट में आ जाएंगे, लेकिन 90 और 270 से हम प्रेफर क्यों नहीं करते, हम प्रेफर इसलिए नहीं करते कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाती है, बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आ जाता है। किस तरह से, देखिए जैसे मान लीजिए आपने अभी तक 10th क्लास में पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़े थे, ये 90 डिग्री है, मैं लिखता हूं साइन 90 माइनस थीटा, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था, इसका फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा, आपको ये बताया गया था ये साइन है, इसके आगे को लगा देंगे तो कोसाइन बन जाएगा। अब ये साइन का कॉस क्यों बना, क्योंकि 90 और 270 पे यानी पाई बाय 2 और 3/2 पे जब भी आप चेंज करेंगे एंगल को, माइनस करेंगे तो फर्स्ट में जाएंगे 90 से, 90 में प्लस करेंगे तो सेकंड में आएंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड में जाने के लिए जब आप 90 का यूज करेंगे या थर्ड और फोर्थ में जाने के लिए 270 का यूज करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके आगे वर्ड लग जाएगा को, ये जो वर्ड है को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10th में भी सिखाया गया होगा आपको, नहीं सिखाया तो आप सीख लीजिए, बहुत आसान है। साइन है 90 माइनस थीटा, साइन का कोसाइन हो जाता है और पॉजिटिव ही रहता है,
कॉस 90 माइनस थीटा, कोसाइन, पूरा नाम इसका कोसाइन होता है, को लगा हुआ है तो हटा देंगे, कोसाइन के आगे से को हटा दीजिए क्या बचेगा, साइन। सिमिलरली टेंजेंट, टेन 90 माइनस थीटा, टेंजेंट के आगे को लगा देंगे, को टेंजेंट यानी कॉट थीटा। फिर अगर कॉट थीटा लिखा है, को टेंजेंट, को लगा हुआ है हटा देंगे, टेंजेंट टेन थीटा। सिमिलरली सीकेंट 90 माइनस थीटा, तो सीकेंट पूरा नाम सीकेंट है इसका, को लगा देंगे इसके आगे, को सीकेंट बन जाएगा यानी कोसेक थीटा। और अगर कोसीकेंट लिखा है 90 माइनस थीटा, तो को हटा देंगे, सीकेंट थीटा बन जाएगा। ये आपने क्लास टेंथ में पढ़े हुए हैं सारे के सारे, लेकिन वहां आपको ये नहीं बताया गया था कि ये सारे, इनके आगे पॉजिटिव साइन ही क्यों लगाया गया। इनके आगे पॉजिटिव साइन इसलिए लगाया गया क्योंकि 90 में से यानी पाई बाय 2 में से जब भी कुछ माइनस करते हैं तो कहां आ जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑल पॉजिटिव, 6 की 6 पॉजिटिव होती है। बस कंफ्यूजन कहां होता है, ये साइन से कॉस, कॉस से साइन, टेन से कॉट, कॉट से टेन, कैसे चेंज होता है ये हमने आपको बता दिया, को की हेल्प से चेंज होता है। यही कंफ्यूजन हमारे पास 0 और 180 में नहीं रहता, क्योंकि 0 और 180 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती। मान लीजिए तो अभी माइनस किया था हमने फर्स्ट में जाने के लिए, अगर प्लस करते तो देखो साइन 90 प्लस थीटा लिखते, अगर 90 प्लस थीटा लिखते सेकंड क्वाड्रेंट में आते। अब इधर वाली रेशियो का साइन चेंज चेक करना है, साइन है, साइन के आगे को लग जाएगा, बनेगा तो कोसाइन, कॉस थीटा, लेकिन इसका साइन, ये साइन देखना है लेफ्ट साइड वाला, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। अगर कॉस लिखना हो 90 प्लस थीटा, कोसाइन, को लगा हुआ है हटा देंगे, साइन थीटा, ये देखना है ये कोसाइन है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कोसाइन पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव है, तो मतलब इसका राइट साइड पे यहां नेगेटिव साइन आएगा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है, साइन कैसे चेंज होता है। कोसाइन था, कॉस लिखा हमने 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आगे को हटा दिया, साइन रह गया लेकिन नेगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि कॉस का साइन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। मोस्टली बच्चे क्या कंफ्यूजन होता है, गलती क्या करते हैं, इस साइन को देख लेते हैं कि ये साइन आया, ये साइन तो सेकंड में पॉजिटिव और यहां पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। हमेशा याद रखना है साइन चेक करने के लिए लेफ्ट साइड पहले देख रही है, क्योंकि ये आपकी स्टेटमेंट है, ये गिवन है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको ये कहा जाए टेंजेंट 135 की वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब टेंजेंट 135 की वैल्यू निकालने के दो मेथड हैं, एक तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं टेन 90 प्लस 45 लिख सकते हैं ना। अब टेन 90 प्लस 45 करते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आगे, टेंजेंट है इसका पूरा नाम, को लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉट टेंजेंट, कॉट 45, और टेंजेंट का साइन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस कॉट 45, यानी ये आ गया माइनस 1। एक तो ये मेथड है, दूसरा टेंजेंट आप 135 है, 180 माइनस 45 भी तो लिख सकते हैं, यानी आपको आना तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो 180 में से माइनस करके भी जा सकते हैं, 90 से प्लस करके भी आ सकते हैं। अब 180 से माइनस करके जाना है तो 180 से माइनस करना है तो टेंजेंट है यहां, सेम टेंजेंट ही रहने वाला है, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट भी नेगेटिव है तो माइनस साइन टेन 45 और वैल्यू फिर से माइनस 1। तो देखा आपने, कोई भी फर्क नहीं पड़ता फाइनल वैल्यू के ऊपर, माइनस 1 आना तो माइनस 1 ही आएगा, चाहे आप 90 से जाएं सेकंड क्वाड्रेंट में, चाहे 180 से जाएं, बस फर्क क्या रहता है 90 और 270 में, कि ये वैल्यू चेंज हो जाती है, जो यहां टेंजेंट लगा हुआ है इसके आगे को लग जाएगा, को टेंजेंट। सिमिलरली देखिए, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, टेन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, टेंजेंट के आगे को लगा दिया, को टेंजेंट बन गया, और अगर कॉट होता तो को टेंजेंट, को हट जाता, टेंजेंट बच जाता विद नेगेटिव साइन, माइनस टेंजेंट थीटा, क्योंकि टेन और कॉट दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। अब आ गया सीकेंट 90 प्लस थीटा, सीकेंट के आगे को लगा देंगे, को सीकेंट माइनस साइन के साथ, को सीकेंट ये वाला नहीं देखना, ये देखना लेफ्ट साइड वाला, सीकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव था इसलिए माइनस आया। यहां अब कोसिकेंट लिखूंगा 90 प्लस थीटा, कोसिकेंट का साइन, कोसिकेंट यहां से देखना साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, को हट जाएगा इसके आगे, सीकेंट थीटा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये साइन का ध्यान रखना आपने, ये को वाला जो चक्कर है, जो हम को लगाते हैं, अगर लगा हुआ है तो हटा देंगे, और नहीं लगा हुआ तो लगा देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल जाएगी। साइन हमेशा लेफ्ट साइड से देखना है।
तो हमें पता चल जाएगा कि 90 और 270 की हेल्प से भी आप क्वाड्रेंट चेंज कर सकते हैं। 90 की हेल्प से आप फर्स्ट और सेकंड में जाते हैं और 270 की हेल्प से आप थर्ड और फोर्थ में जाते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 270 माइनस थीटा लिखते हैं और फोर्थ में जाने के लिए 270 प्लस थीटा। हर एक क्वाड्रेंट में जाने के लिए दो मेथड पॉसिबल हैं। जैसे फर्स्ट में और फोर्थ में, अगर फर्स्ट में जाना है तो जीरो प्लस करिए तब भी फर्स्ट में आएंगे, जीरो प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा करिए तब भी फर्स्ट में आएंगे, मर्जी आपकी है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना, 90 प्लस थीटा करेंगे तब भी सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, 180 माइनस थीटा करेंगे तब भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे हमने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया था अभी, टेंजेंट वाला, 135 की वैल्यू, 90 प्लस 45 किया, कॉट बना क्योंकि टेंजेंट था, को लगाना है, 90 से चेंज कर रहे हैं, को टेंजेंट हो जाता है, टेंजेंट का साइन नेगेटिव है -1। और जब 180 से गए थे तो 180 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती। तो टेंजेंट 180 माइनस थीटा -10 थीटा, यानी -10 45 -1, वैल्यू सेम आई। तो दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, दोनों ठीक है, कोई भी इजी लग सकता आपको। थर्ड में जाने के लिए 180 प्लस कर सकते हैं या 270 माइनस, और फोर्थ में जाने के लिए 270 प्लस या 0 माइनस। 0 माइनस में करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगी, 270 से करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? बाय द लेटर को, लगा हुआ है तो हटा देंगे, नहीं लगा हुआ तो लगा देंगे। तो इसकी हेल्प से, इस क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से आप कोई भी वैल्यू, किसी भी एंगल की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डिग्रीज में गिवन है या रेडियन में गिवन है। और ये कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है आपका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर भी पूरा पेंडिंग है, उस हर जगह कहीं ना कहीं हम इस क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करेंगे, स्पेशली इन द एक्सरसाइज 3.2। 3.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीटली बेस्ड है इस क्वाड्रेंट सिस्टम के ऊपर। तो आपने इस पूरे क्वाड्रेंट सिस्टम को बड़े ध्यान से समझना है, एक बार खुद बना के प्रैक्टिस करके देखनी है, और किसी भी रेफरेंस बुक की, दुनिया में किसी भी रेफरेंस बुक में से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल्स हैं, कोई भी डिफरेंट एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्वाड्रेंट सिस्टम। तो देखा बच्चों आपने, ये था एक्सरसाइज 3.2 से पहले का बेसिक कॉन्सेप्ट क्वाड्रेंट सिस्टम, क्लास 11th के बच्चों के लिए। क्लास 12th के बच्चे भी देख सकते हैं, उनके भी बहुत काम आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री के जब भी सवाल आएंगे 10th क्लास ऑनवर्ड्स, 10th क्लास के बाद 11th 12th किसी भी क्लास में जब भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आएंगे, उनके लिए क्वाड्रेंट सिस्टम का आना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट सिस्टम। ये आपको आ गया तो समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस आप यूं चुटकी बजाते ही हल कर देंगे। बहुत आसान तरीके से आपको हमने आज एक्सप्लेन कर दिया है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है बार बार देखिए, रिपीट कीजिए वीडियो को, फिर से देखिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, अपनी क्लास के ज्यादातर बच्चों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, और अपना ध्यान रखें, अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ, खूब मन लगा के पढ़िए। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।